वहीं यूपी में हुई हिंसा पर डीजीपी ओपी सिंह का बयान सामने आया है। यूपी में हुई हिंसा में अब तक 879 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो डीजीपी की तरफ से बयान, हिंसा में 288 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं और 879 उपद्रवियों को यूपी में हुई हिंसा के लिए अब तक गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है। तो जुर्माना लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट से अनुमति लेकर संपत्ति कुर्क करेंगे। यूपी में धारा 144 भी लागू है। तो टीएमसी नेता लखनऊ ना आए। तो यूपी में धारा 144 लागू की गई है। तो डीजीपी की तरफ से बयान दिया गया है कि हालात जो है वो सामान्य हैं। तो साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी साफ तौर पर चेतावनी डीजीपी की तरफ से कि टीएमसी नेता लखनऊ ना आए, क्योंकि लखनऊ से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 6 से ज्यादा जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर उन पर केस दर्ज हुआ है। तो डीजीपी ने बयान देते हुए कहा है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जुर्माना वसूलने की भी जो नोटिस है वो भेजने शुरू हो गए हैं और अब कोर्ट की इजाजत के बाद इनकी संपत्ति को कुर्क कर ये वसूली की जाएगी। जितनी भी डैमेजेस हुई हैं उनके जुर्माना के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ में और अन्य जगहों में भी हमने उनका असेसमेंट करना शुरू कर दिया है और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हम उन सबों पर ये जुर्माना लेने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे और यदि वो जुर्माना नहीं देंगे तो हम उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की इजाज़त न्यायालय से लेकर ये कार्रवाई करेंगे।